मेरा नाम डॉक्टर रिजवानी यासिन है। आज जो मैं आपको टॉपिक करवाने जा रहा हूँ, इकोनोमेट्रिक्स का नाम है साइमल्टेनियस इक्वेशन। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि साइमल्टेनियस इक्वेशन होती क्या है। साइमल्टेनियस इक्वेशन जो है वो इक्वेशन है जिसमें कुछ वेरिएबल्स साइमल्टेनियसली जो है वो डिटरमिंड होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक इक्वेशन में एक से ज़्यादा वेरिएबल्स होते हैं जो साइमल्टेनियसली डिटरमिंड होते हैं। इससे पहले हम जो कर रहे थे इक्वेशंस, वो सिंगल इक्वेशंस थी, यानी उसे अलग-अलग सॉल्व करते थे। लेकिन यहाँ मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। ये देखिएगा कि जो आपका y1t है वो फंक्शन है y2t का, इसी तरह ये फंक्शन x1t का, x3t का, और नीचे वाली इक्वेशन में देखिएगा जो y2t है वो भी अवेलेबल है, और y2t जो फंक्शन है वो y1t का और x3 का, x2 का, और ये फंक्शन है इस तरह y2 ऊपर भी है और नीचे। ऊपर जो है वो एज ए एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल है, और नीचे जो है वो देखिएगा एज अ एंडोजिनस वेरिएबल है। तो y2 देखिएगा एट द सेम टाइम एक्सप्लेनेटरी भी है और एट द सेम टाइम वो एंडोजिनस वेरिएबल भी है। इसी तरह ये इक्वेशन जो है, ये दो इक्वेशन, इन्हें स्ट्रक्चरल इक्वेशन कहेंगे, और इनके जो एंडोजिनस वेरिएबल्स हैं वो y1t है और y2t है, और जो एक्सोजिनस वेरिएबल है वो x1t है, x2t है और x3t वेरिएबल है। क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल की एक अजम्पशन है कि एरर टर्म हर इक्वेशन की अनकोरिलेटेड होनी चाहिए उस इक्वेशन के एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल के साथ। तो क्या हम देखेंगे कि क्या ये अजम्पशन यहाँ वायलेट तो नहीं हो रही? तो इसके लिए हम देखते हैं। ये देखिए, फर्स्ट इक्वेशन में जो एरर टर्म है, अगर ये बढ़ती है तो y1t जो है वो भी बढ़ जाता है, ठीक है। अगर y1t जो बढ़ेगा तो निचली इक्वेशन में देखिएगा y1t के बढ़ने से y2t भी बढ़ जाएगा। तो जब y2t बढ़ेगा तो ऊपर वाली इक्वेशन में भी y2t बढ़ेगा, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि इनडायरेक्टली ई जो ऊपर एप्सिलॉन 1t है वो इफ़ेक्ट कर रहा है किससे, y2t से। और इसका मतलब है ये दोनों आपस में को रिलेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल की जो अजम्पशन है वो वायलेट हो रही, जिसकी वजह से प्रॉब्लम ऑफ साइमल्टेनिटी आता है। अब हम देखेंगे प्रॉब्लम ऑफ साइमल्टेनिटी को कैसे रिमूव किया जाता है। अब हम इसमें इस एग्जांपल करेंगे जिसमें हम बताएंगे कि साइमल्टेनिटी के प्रॉब्लम को कैसे टैकल किया जाता है। तो आपके सामने ये एग्जांपल है, क्वांटिटी डिमांड जो है वो फंक्शन है प्राइस का और इनकम का, इसी तरह क्वांटिटी सप्लाई जो है वो फंक्शन है प्राइस का, और तीसरी इक्वेशन में देखिएगा क्वांटिटी डिमांड जो है वो इक्वल है क्वांटिटी सप्लाई के, जो कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। ये एक क्लासिकल एग्जाम्पल है। इस ये तीनों इक्वेशन में हम कह सकते हैं कि क्वांटिटी एंड प्राइसेस आर डिटरमिंड साइमल्टेनियसली। आपको याद होगा जब हम फर्स्ट टाइम ये मॉडल देखते हैं, ये मॉडल जो है वो बनाते हैं ग्राफिकली, तो उसमें भी हम यही कहते हैं कि क्वांटिटी सप्लाई और क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइसेस जो हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट पे साइमल्टेनियसली क्या होते हैं, डिटरमिंड होते हैं। इसे हम ड्रॉ भी कर सकते हैं। ये देखिएगा, ये ग्राफ बनाया, इसमें हमने ये जो पॉइंट है इस पर क्या होता है, प्राइस और क्वांटिटी जो इक्विलिब्रियम की क्वांटिटी है, जो कि सप्लाई और डिमांड दोनों इक्वल हैं जिस क्वांटिटी पे, ये साइमल्टेनियसली क्या होते हैं, डिटरमिंड होते हैं। तो इसका मतलब है क्वांटिटी और प्राइस जो है वो दोनों एट द सेम टाइम एंडोजिनस वेरिएबल हैं, जबकि जो वाई है वो एक्सोजिनस वेरिएबल है। इस तरह ये जो तीनों इक्वेशन की, क्वांटिटी सप्लाई की और ये इक्विलिब्रियम की, इन तीनों इक्वेशंस को हम स्ट्रक्चरल इक्वेशन कहते हैं, और जिसमें क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी सप्लाई और पी जो है ये एंडोजिनस वेरिएबल है, जबकि वाई जो है वो एक्सोजिनस वेरिएबल है। तो ये β1 β2 और ये जो γ1 और γ2 जो हैं, ये भी जो हैं आपके स्ट्रक्चरल पैरामीटर्स हैं। अब हम इन स्ट्रक्चरल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। हम इन्हें कैसे सॉल्व करेंगे, क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाई को इक्वेट करेंगे। अगर देखिएगा लेफ्ट हैंड साइड्स इक्वल हैं तो राइट हैंड साइड्स भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो देखिएगा मैंने नीचे जो क्या किया, मैंने इन दोनों को इक्वेट कर लिया और PT के लिए क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। तो देखिएगा PT जो है वो बीटास का, गैमास का, इस तरह ये जो है फंक्शन निकलेगा। तो हम क्या करेंगे,
ये जो स्ट्रक्चरल पैरामीटर्स हैं, जैसे ये कांस्टेंट है बीटा वन माइनस गैमा वन ओवर बीटा टू माइनस गैमा टू, इसको हम इस तरह ये सारे कांस्टेंट को हम देखिएगा कन्वर्ट कर लेंगे पाई वन में। इसको हमने पहले को पाई वन में कन्वर्ट कर लिया, दूसरे को पाई टू में, और तीसरे जो एरर टर्म को वो वी वन टी में कन्वर्ट कर लिया। अब जो पी टी है वो सिर्फ एक एक्सोजीनस वेरिएबल का फंक्शन है जो वाई टी है। अब यहाँ कोई भी ऐसा एंडोजीनस वेरिएबल नहीं है जो कि एक्सोजीन जो कि एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल है जैसे ऊपर पी टी था। तो अब पी टी सिर्फ फंक्शन है एक्सोजीनस वाई टी का। अब हम इस पी टी को पुट करेंगे क्वांटिटी सप्लाई की इक्वेशन, ये देखिएगा ऊपर यहाँ पुट किया तो हमारे पास जो नई वैल्यू आएगी क्योंकि वो इस तरह कुछ आएगी जो लिखी हुई। तो हमने अब पाई थ्री प्लस पाई फोर वाई टी और वी टू टी जो है इक्वेशन लिखी है। अब देखिएगा पाई थ्री किसकी जगह आया है, ये इन कांस्टेंट की जगह आया, और पाई फोर जो है वो इस कांस्टेंट की जगह आया, और वी टू टी जो है वो इन कांस्टेंट की जगह आया, ये एरर टर्म की कांस्टेंट की जगह। अब ये जो क्वांटिटी की इक्वेशन बनी ये भी देखिएगा ये वाई टी का फंक्शन है, इसका मतलब है अब क्वांटिटी जो है वो सिर्फ एक एक्सोजीनस वेरिएबल का फंक्शन है जिसे वाई टी बोल रहे हैं। और अब क्या है, अब इक्वेशन बिल्कुल क्लियर है कि लेफ्ट साइड पे सिर्फ एंडोजीनस वेरिएबल है और राइट साइड पे सिर्फ जो है वो एक्सोजीनस वेरिएबल है। अब ये जो नई इक्वेशंस आई हैं जैसे ये पाई थ्री है पाई फोर है, ये कि ये इक्वेशन जिसको हम कह रहे हैं कि नाउ एंडोजीनस वेरिएबल इज ओनली फंक्शन ऑफ एक्सोजीनस वेरिएबल दैट इज वाई टी, एंड फॉर दिस इक्वेशन पी टी इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ वाई टी। इसका मतलब है कि अब जो एंडोजीनस वेरिएबल है जो सिर्फ एक्सोजीनस वेरिएबल का फंक्शन है, इन इक्वेशंस को जो ये वाली इक्वेशन है थ्री और ये जो फोर इक्वेशन, इसको बोलते हैं रिड्यूस्ड फॉर्म। अब हमने स्ट्रक्चरल फॉर्म को किन में चेंज किया, रिड्यूस्ड फॉर्म। रिड्यूस्ड फॉर्म वो है जिसमें अब सिर्फ एक्सोजीनस वेरिएबल राइट साइड पे हैं और लेफ्ट साइड पे जो है वो एंडोजीनस वेरिएबल है, और ये जो पाइज हैं इनको हम बोलते हैं रिड्यूस्ड कोफिशिएंट। और यही अब ये हमने सॉल्व कर दिया, अब हम इसे देखेंगे कि क्या ये सॉल्वेबल है। अब हमारे जो है वो इक्वेशंस आ गई जिन्हें हमने रिड्यूस फॉर्म कहा, रिड्यूस फॉर्म इक्वेशन हमने निकाली स्ट्रक्चरल फॉर्म से, स्ट्रक्चर बल्कि ऐसे कहेंगे कि स्ट्रक्चरल इक्वेशन को हमने रिड्यूस फॉर्म में चेंज किया। रिड्यूस फॉर्म क्या थी, जहाँ एंडोजीनस वेरिएबल सिर्फ और सिर्फ किसका फंक्शन था, एक्सोजीनस वेरिएबल। अब हमने देखना है कि क्या हाँ ये पॉसिबल है कि हम अपनी रिड्यूस फॉर्म से वापस जाएं स्ट्रक्चरल इक्वेशन की तरफ और स्ट्रक्चरल पैरामीटर को निकालें, या इसे हम ऐसे कह सकते हैं क्या ये पॉसिबल है कि हम रिड्यूस फॉर्म पैरामीटर से स्ट्रक्चरल फॉर्म पैरामीटर निकालें। Is it possible to go back from reduced form parameters to structural form parameter? This is called identification problem. अच्छा, इसके आंसर में तीन पॉसिबिलिटीज़ हैं। नॉट पॉसिबल, अगर नहीं पॉसिबल कि हम जो रिड्यूस फॉर्म से स्ट्रक्चरल पैरामीटर निकाल सके तो उसे हम कहते हैं अंडर आइडेंटिफाइड। अगर पॉसिबल है तो देर आर टू पॉसिबिलिटीज़। एक पॉसिबल है यूनिक वे में सिर्फ एक तरह निकाल सकते हैं, उसे बोलते हैं एग्जैक्टली आइडेंटिफाइड। दूसरे में क्या है, मोर देन वन वे, एक से ज़्यादा वे हैं सॉल्व करने के, उसे बोलते हैं ओवर आइडेंटिफाइड। तो अब हम देखते हैं इसकी मेथडोलॉजी क्या है। इसकी दो कंडीशंस हैं जो फुलफिल होनी चाहिए कि इक्वेशन जो है वो आइडेंटिफाइड है, ओवर आइडेंटिफाइड है, या एग्जैक्ट आइडेंटिफाइड है, या अंडर आइडेंटिफाइड है। तो उसमें पहली कंडीशन है ऑर्डर कंडीशन। ऑर्डर कंडीशन क्या है कि हम जो हैं तीनों इक्वेशंस को देखेंगे, हम टोटल सिस्टम में नंबर ऑफ एंडोजीनस वेरिएबल देखेंगे जिसे हम जी से शो कर रहे हैं, और नंबर ऑफ मिसिंग वेरिएबल ऑफ ईच इक्वेशन जिसे हमने अंडर ऑब्जर्वेशन लिया हुआ है। अच्छा, ये मेथड जो है ना, इसमें हम अलग-अलग इक्वेशन को देखेंगे। जैसे हमारे पास हमारी एग्जांपल में एक डिमांड की इक्वेशन है, सप्लाई की इक्वेशन है, तो हम एक टाइम में पहले क्वांटिटी डिमांड वाली इक्वेशन को देखेंगे कि वो आइडेंटिफाइड है या नहीं है, फिर हम क्वांटिटी सप्लाई को देखेंगे। तो ये नंबर ऑफ मिसिंग वेरिएबल एम
जो है ये हर इक्वेशन, अगर मैं क्वांटिटी सप्लाई की इक्वेशन देख रहा हूँ तो मैं उसमें देखूँगा, अगर क्वांटिटी डिमांड की देख रहा हूँ तो मैं उसमें देखूँगा। अच्छा अगर तो उसकी कंडीशन क्या है, अगर m लेस होगा g माइनस वन से, g क्या है नंबर ऑफ एंडोजिनस वेरिएबल, अगर m कम होगा g माइनस वन से तो ये क्या है ये अंडर आइडेंटिफाइड है, अगर m इक्वल होगा g माइनस वन के तो एग्जैक्टली आइडेंटिफाइड है, m ग्रेटर होगा g माइनस वन के तो ओवर आइडेंटिफाइड है। तो ऑर्डर कंडीशन हमें बताती है कि कौन सी इक्वेशन जो है वो अंडर आइडेंटिफाइड है, एग्जैक्टली आइडेंटिफाइड, ओवर आइडेंटिफाइड। लेकिन ये जो है ये नेसेसरी कंडीशन है, सफिशेंट कंडीशन नहीं, सफिशेंट कंडीशन रैंक कंडीशन है। फॉर एग्जांपल अगर ऑर्डर कंडीशन कहती है कि फ्लां इक्वेशन जो है वो एग्जैक्टली आइडेंटिफाइड है या ओवर आइडेंटिफाइड है तो रैंक कंडीशन उसे कन्फर्म करेगी। जब तक रैंक कंडीशन भी फुलफिल नहीं होगी हम अपने रिजल्ट को कंफर्म नहीं करेंगे। ये जो ये ऐसे समझने में मुश्किल है, मैं पहले आपको एग्जांपल दिखाता हूँ फिर मैं आपको ये है जो बताऊँगा। अब हम देखेंगे कि ये देखिएगा ये क्वांटिटी डिमांड है जो क्वांटिटी सप्लाई है, और ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन है। हमारे पास टोटल जो है वो एंडोजिनस वेरिएबल कौन से हैं, क्वांटिटी डिमांड है, क्वांटिटी सप्लाई है और प्राइस है। तो हमारे पास जो टोटल एंडोजिनस वेरिएबल है वो कितने हो गए, थ्री हो गए। अब हम इन इक्वेशंस को ड्रॉ करते हैं ऑर्डर कंडीशन के लिए। देखिएगा कैसे ड्रॉ करेंगे, हर इक्वेशन की एक रो बना लेंगे, पहली इक्वेशन रो, दूसरी इक्वेशन सेकंड रो, थर्ड इक्वेशन थर्ड रो। अब फिर वेरिएबल की कॉलम बन, हर वेरिएबल का कॉलम बना लेंगे। पहला वेरिएबल है क्वांटिटी डिमांडेड, फर्स्ट कॉलम क्वांटिटी सप्लाई, सेकंड कॉलम प्राइस, थर्ड कॉलम वाई, फोर्थ कॉलम। अब इस तरह हम इसका मैट्रिक्स बना लेते हैं। देखिए इक्वेशन वन में क्वांटिटी डिमांड है जी है, टिक कर लिया, और क्वांटिटी सप्लाई नहीं है तो उसे ज़ीरो लिख लिया, पी है उसे टिक कर लिया, वाई है उसे टिक कर ली। इक्वेशन टू में क्वांटिटी डिमांडेड नहीं है ज़ीरो कर लिया, क्वांटिटी सप्लाई है टिक कर लिया, पी है टिक कर लिया, वाई है वाई नहीं है सॉरी तो इसे ज़ीरो कर लिया। इक्वेशन थ्री में सिर्फ क्यू डी है और क्यू एस है तो हम इसको दोनों को टिक करेंगे बाकी ज़ीरो कर लेंगे। तो हम पहले इक्वेशन वन देखते हैं, इक्वेशन वन देखते हैं कि इसका m कितना, m इसका वन है और g कितना है थ्री है, g माइनस वन कितना होगा सबके लिए टू होगा। तो इक्वेशन वन में क्या है, m वन है, मिसिंग वेरिएबल वन है और जो g माइनस वन है टू है, तो इसका क्या आएगा m इज़ लेस देन g माइनस वन, तो ये क्या होगी अंडर आइडेंटिफाइड होगी। डिमांड की इक्वेशन क्या होगी अंडर आइडेंटिफाइड। अब हम सप्लाई की इक्वेशन देखते हैं, सप्लाई में क्या है m मिसिंग वैल्यू कितनी है, ज़ीरो कितने हैं दो हैं, और g माइनस वन क्या है टू, तो ये क्या है m इज़ इक्वल टू g माइनस टू, तो इसका मतलब है ये जो सेकंड सप्लाई की इक्वेशन है ये क्या होगी एग्जैक्ट आइडेंटिफाइड। किस कंडीशन के मुताबिक, ऑर्डर कंडीशन के मुताबिक। इसका मतलब है इक्वेशन वन को हम सॉल्व कर ही नहीं सकते, इक्वेशन वन का तो यही हमने डिसीजन कर लिया, लेकिन इक्वेशन टू जो है एग्जैक्टली आइडेंटिफाइड है, लेकिन हम इसे फिर कन्फर्म करेंगे रैंक कंडीशन में, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि ये जो है ये नेसेसरी कंडीशन है लेकिन सफिशेंट नहीं है। सफिशेंट कौन सी कंडीशन है, रैंक कंडीशन है। तो नेसेसरी के बाद हमें सफिशिएंट कंडीशन को भी फुलफिल करना होता है। तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम इसी तरह ये जो है टेबल इसे नीचे ड्रॉ करेंगे, इक्वेशन वन, इक्वेशन टू और इक्वेशन थ्री। अब रैंक कंडीशन कहती है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो इक्वेशन टू है जो अंडर ऑब्जर्वेशन है उसे डिलीट कर देंगे। तो मैं इसे क्या करूँगा, मैं इसे डिलीट कर दूँगा ऐसे। अब जो इक्वेशन टू में ज़ीरो ज़ीरो एलिमेंट है सिर्फ उसको लिखेंगे, बाकी टिक वाले एलिमेंट को नहीं लिखेंगे, मतलब इसको डिलीट कर दिया और ये इक्वेशन टू में एक ये टिक है ये टिक है तो इन दोनों को भी क्या कर दिया डिलीट कर दिया। अब क्या बचा देखिएगा, इक्वेशन वन में क्यू डी ये टिक, इक्वेशन वन में वाई टिक, इक्वेशन थ्री में क्यू डी टिक, इक्वेशन थ्री में वाई ज़ीरो। अब वो कहता है कि हम देखेंगे कि जी माइनस वन कितना है टू है, जी माइनस वन कितना है टू, तो क्या हमारे पास टू रोज या कॉलम्स हैं जो नॉन ज़ीरो हैं, तो ऑब्वियसली हमारे पास ये देखिएगा सारे एलिमेंट जो है वो ज़ीरो नहीं है। अगर तो यहाँ सारे एलिमेंट ज़ीरो आ जाते तो हम कहते कि हमारी कंडीशन फुलफ़िल नहीं हो रही, लेकिन कंडीशन फुलफ़िल हो रही है क्योंकि इसकी कंडीशन क्या थी रैंक कंडीशन में, कि आपका जो जी माइनस टू जी माइनस वन है उसके इक्वल जो है वो रोज़ या कॉलम होने चाहिए जो नॉन ज़ीरो होने चाहिए। तो आपके पास जो है देखिएगा जी माइनस वन हमारे पास क्या आया था टू आया था, तो हमारे पास टू कॉलम भी हैं और टू रोज़ भी हैं जो नॉन ज़ीरो।
अगर ये सारे ज़ीरो होते तो हमारी कंडीशन ये फुलफिल ना होती। अच्छा जी, इसका मतलब है इक्वेशन टू एग्जैक्टली आइडेंटिफाइड होगी अकॉर्डिंग टू ऑर्डर कंडीशन एंड रैंक कंडीशन। तो अगर कोई इक्वेशन जो है वो एग्जैक्टली आइडेंटिफाइड है तो हम उसे सॉल्व करेंगे ILS के थ्रू, आइडेंटिफाइड ली स्क्वेयर के थ्रू। अगर हमारी कोई इक्वेशन जो है वो ओवर आइडेंटिफाइड हो जाती है ऑर्डर कंडीशन और रैंक कंडीशन के मुताबिक, तो हम क्या लिखाएंगे TSLS, ये क्या है, टू स्टेज ली स्क्वेयर मेथड।